मिजोरम की राजधानी आइजोल के आइजोल क्लब में 43वें भारत बांग्लादेश संयुक्त सीमा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आज से शुरू हुआ यह सम्मेलन 29 सितंबर तक चलेगा। सम्मेलन में बांग्लादेश से 6 प्रतिनिधि और मिजोरम सरकार तथा भारतीय सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी भी भाग ले रहे हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। इनमें दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्तंभों के निर्माण और देखरेख की जिम्मेदारी को बांटने, दोनों देशों में कैंप हेडक्वार्टर, फील्ड सर्वे कैंप स्थापित करने के लिए जगह का चयन, स्ट्रिप मैप का अपडेशन करने समेत अन्य मुद्दे शामिल है। सम्मेलन के पहले दिन 22 अगस्त 2016 को ढाका में आयोजित 42वें भारत बांग्लादेश संयुक्त सीमा सम्मेलन की कार्यवाही का पुनरीक्षण किया गया। साथ ही बीएसएफ और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड की ओर से दाखिल साझा रिपोर्ट पर चर्चा की गई। दिस कॉन्फ्रेंस इज नॉट एट ऑल अबाउट एनी एक्चुअली दिस ट्रेसपासिंग इश्यूज, लाइक यू नो दिस इज लाइक फॉर द डिमार्केशन ऑफ द बाउंड्री। सो द मेनी ऑफ द प्लेसेस आर यू नो नॉन अनडिमार्केटेड एंड अनगार्डेड। सो फॉर द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स टू एक्चुअली गार्ड द एरिया, दे नीड टू नो द वेयर इज द डिमार्केशन ऑफ द इंटरनेशनल बाउंड्री। So that part of the, to do that part, we are actually meeting with the, our counterpart, Survey of India. पिछले 3 हफ्तों से अगरतला अखौरा अंतर्राष्ट्रीय तलाशी चौकी पर आयात निर्यात की गतिविधियां बंद हो जाने के बाद अगरतला के मछली बाजार में मछलियों की भारी किल्लत हो गई है। मछलियों के लिए अगरतला को बांग्लादेश और देश के अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। बांग्लादेश से विभिन्न प्रकार की मछलियों का आयात किया जाता है। अनुमानुसार अंतर्राष्ट्रीय तलाशी चौकी से रोजाना 75 लाख रुपयों की 25 मैट्रिक टन मछलियों का आयात होता है। अन्य तलाशी चौकियों से भी मछलियों का आयात किया जाता है। आरोपानुसार कुछ असामाजिक तत्व अगरतला में मछली निर्यात करने वाले बांग्लादेशी व्यापारियों से धन उगाही करते हैं और इसी वजह से व्यापारियों ने अगरतला में मछली का निर्यात करना बंद कर दिया है। बांग्लादेश मछता बद अपने प्रचंड समस्या विशेष कर जरा गरीब अंश मानुष ता माँ खेते खूब कष्ट मे प्रचंड दर सब तो दाम माँ खेते विशेष कर मन करें जरा खुबी दरिद्र श्रमिकरा तारा पक्षे खूब कष्ट माँ खेते। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी शशांक ने आज आइजोल में मिजोरम की फाइनल मतदाता सूची जारी कर दी है। आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में 7,68,181 वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 3,74,496 पुरुष वोटर्स हैं और 3,93,685 महिला मतदाता। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव की तारीख मुकर्रर नहीं की है। वही मतदाता सूची को जारी कर दिया गया है। इस सूची में सबसे ज्यादा आइजोल जिले के वोटरों की संख्या है। इस जिले से कुल 2,88,322 वोटरों की संख्या है। मुख्य चुनाव अधिकारी शशांक ने बताया कि चुनाव की तैयारियां आखिरी पड़ाव पर है। उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है कि ब्रू शरणार्थियों को मिजोरम के बाहर वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। उनका पंजीकरण हो चुका है लेकिन अभी उनकी सूची प्रकाशित नहीं की गई है। There was rationalization of polling station and physical verification of polling station was done by our officers, both level officers, our electoral registration officers, our district election officers. अभयनगर के राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में बुधवार की रात विद्यार्थियों के 2 गुटों के बीच हुई झड़प के बाद संस्थान के अगरतला कैंपस को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक त्रिपुरा से आए विद्यार्थियों के गुट ने संस्थान में हड़ताल करने की कोशिश की थी। इस ग्रुप का आरोप था कि ओडिशा से आए 3 शिक्षक संस्थान में धार्मिक तनाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ओडिशा के विद्यार्थियों ने इस आरोप को नकारा है। इसी बात को लेकर बुधवार की रात दोनों गुटों के बीच झड़प हो गई। संस्थान के प्रबंधन ने जितेंद्र कुमार रायगुरु, महेश कुमार पानीग्रही और रमाकांत मिश्रा नामक 3 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। हमारे कैंपस में ऐसे कुछ झगड़ा हुआ था, हम अपना सेफ्टी के लिए यहाँ पर आए हैं एफआईआर देने के लिए। बस हमारा हम लोग कैसे सुरक्षित रहें यहाँ पर, तो हम अपना सुरक्षा के लिए हम लोग अपना राज्य उड़ीसा को जाना चाहते हैं। बस हमारा यही गुजारिश है। त्रिपुरा
त्रिपुरा सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में सूचना, संस्कृति और पर्यटन विभाग ने साझा रूप से गोमती जिले में उदयपुर के टाउन हॉल में विश्व पर्यटन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक विप्लव कुमार घोष ने किया। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता शीतल मजुमदार समेत सूचना और संस्कृति विभाग के उप निदेशक टिंकू विश्वास भी मौजूद थे। कार्यक्रम में 700 से ज्यादा स्कूली बच्चों ने भाग लिया। पर्यटकों के मामले में आगरा उत्तरी के राज्य में किसी अन्य